कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के लोग राम धुनी कर रहे थे, वहां बैठ करके राम धुनी कर रहे थे सरकार में। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की नीतीश सरकार द्वारा जारी किया गया बिहार का जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट केंद्र में सत्ता संभाल रही भाजपा के गले की फांस बन सकता है। एक तरफ तो नीतीश और लालू इसे बिहार के सियासी इतिहास में मील का पत्थर बता रहे हैं, वहीं अब कई राज्यों के नेता भी मुखर होकर केंद्र सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर कई बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सर सामने सर, पब्लिश होगा तो 9 पार्टियों के सभापति से सर सामने सर, उनको भी अब बुला करके और उनके सामने जितना काम हुआ है उन सब चीज को भी उनके सामने प्रेजेंट करेगा और जितना सब कुछ ज्ञान मिला है आज तो सबको बता दिया गया, सब लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोग भी जानिए। आई मीन द डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट। And I'm very happy that this is 2nd October. I'm very happy that this is 2nd October. Social justice is at a churning phase now. You look at the result. The results tell you that 85% of the people belong to marginalized community. Aur yahan se ab sarkar ki us hisab se jo aapne sawal pucha, aaj ye aitihasik din hai. Sadak se sansad tak hum logon ne संघर्ष किया था, जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने तो कहा ही था, नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो, और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी। बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी करने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का बयान भी सामने आया। राहुल गांधी ने बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जातिगत जनगणना की रिपोर्ट का समर्थन किया। राहुल गांधी ने कहा, भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसीलिए भारत की जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है, जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। वहीं इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने बिहार की महागठबंधन सरकार द्वारा जारी किए गए जाति सर्वेक्षण का स्वागत करते हुए केंद्र और यूपी में सत्ताधारी भाजपा पर भारी कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, बिहार जाति आधारित जनगणना प्रकाशित, यह है सामाजिक न्याय का गणतीय आधार। जातिगत जनगणना 85-15 के संघर्ष का नहीं बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी, और जो लोग प्रभुत्वकामी नहीं हैं बल्कि सबके हक के हिमायती हैं वो इसका समर्थन भी करते हैं और स्वागत भी। उन्होंने ट्विटर पोस्ट में आगे कहा कि जाति जनगणना कराना देश की प्रगति के लिए बेहद अहम है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, जब लोगों को पता चलता है कि वो कितने हैं तो उनमें आत्मविश्वास जागता है, सामाजिक अन्याय के खिलाफ सामाजिक चेतना भी जागृत होती है जिससे उनकी एकता बढ़ती है और वो अपनी प्रगति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं।